सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए iOS ट्यूटोरियल हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस कि आप सब लोग आज के अंदर अच्छे से वर्क कर रहे होंगे। गाइस, मैं iOS 14 में अभी UI मेनू एंड UI डिफॉल्ट मेनू एलिमेंट, ये दोनों आया है जो बहुत मस्त है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपको भी पसंद आएगा। मैंने सिंपल सा एक डेमो बनाया है, वो आपको पहले मैं दिखा देता हूँ। तो आपको सिंगल क्लिक करनी है, तो डायरेक्ट एक बार टैप करोगे तो भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप टाइटल रख सकते हो, ठीक है, ये मेनू का टाइटल है। ये जो दो आपको दिख रहे हैं वो UI एक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप लेबर और इमेज दोनों ऐड कर सकते हो, और कैमरा और फोटो के क्लिक के ऊपर आपको जो भी एक्शन रखने वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसा करना है वो, ठीक है। उसके बाद आप लॉन्ग प्रेस भी करोगे ना तो भी वो खुद से आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ दो चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। अभी ये बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस है ना, वैसे ही बार बटन आइटम के ऊपर भी लॉन्ग प्रेस है, ठीक है, दोनों के ऊपर लॉन्ग प्रेस है। बट बार बटन आइटम जो है वहाँ पे आप सिंगल टैप पे नहीं कर सकते, जो सिंगल टैप में यहाँ पे होता है वो यहाँ पे नहीं हो सकता, उसको आपको लॉन्ग प्रेस करके करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है UI डिफॉल्ट मेन्यू एलिमेंट, एक्चुअल में ये UI डिफॉल्ट मेन्यू एलिमेंट क्यों है, क्योंकि मेन्यू तो है तो ये भी क्या करता है, ये मेन्यू ही ओपन करता है, बट ये असिंक करता है। देखो आप देख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, देखो ये लोडिंग हो रहा है, उसके बाद उसने दो ऑप्शन दिए मेरे को, ठीक है। तो ये असिंक है, वो सिंक है और ये असिंक है, तो ये बहुत मस्त है, ये है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, सही में अच्छा था। तो आज हम ये करने वाले हैं, ठीक है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, 10,000 सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है। और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर को भी कर दो सब्सक्राइब थोड़ा, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट करना। ये जो पूरा कोड है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो गिटहब में से जाके देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने मेन डोर स्टोरेज में 3 बटन ऑलरेडी लेके रख दिए, एक बार बटन में है और ये 2 बटन है, ठीक है। उसकी मैंने यहाँ पे एक्शन भी बना दिए, ये बार बटन वाले और ये। तो सबसे पहले बार बटन पे जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम ओपन करेंगे कैमरा के लिए UI एक्शन, ये अलर्ट एक्शन नहीं है, UI एक्शन। उसके बाद टाइटल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैमरा, उसके बाद इमेज, और इमेज में है ना सिस्टम की यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पे सिस्टम नेम, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको उसकी एक्शन में जो भी करना हो ना वो यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ कि कैमरा टैप, ठीक है। तो ये अपना हो गया कैमरा के लिए, तो यहाँ पे अपना कैमरा सेट है। अभी सेम फ़ोटो के लिए कर देता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर मैं लिख दूँगा फ़ोटो, अपने UI अलर्ट एक्शन आता था ना वैसा ही है वो, बट यहाँ पे वो UI एक्शन है, ओके। अभी आपको लिखना है मेनू इज इक्वल्स टू UI मेनू, यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ वेलकम, कुछ भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे ही, वेलकम गाइस, नहीं ऐसा नहीं, वेलकम ही लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको चिल्ड्रन आएगा, तो उसमें बस आप ये सब डाल दो, कैमरा और ये फोटो, ठीक है। और अभी आपको लिखना है सेंडर, सेंडर मींस ये जो बार बटन आइटम है ना वो, तो आप उसकी आउटलेट भी होगी ना तो भी चलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे सेंडर मिल रहा है तो डायरेक्टली सेंडर लिख देते हैं, डॉट मेनू इज इक्वल्स टू मेनू, बस खत्म। इतना ही करना है, ठीक है। अभी मुझे सिस्टम इमेज चाहिए मेरे को, ठीक है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा वाला टिप दे रहा हूँ गाइस, तो अगर आप लोग ये कर रहे हो जो अभी मैं कर रहा हूँ वो अगर कोई भी कर रहा है तो मैं उसको एक मस्त टिप दूंगा। सब लोग यहाँ पे हमने इमेज सर्च करते हैं ना, ऐसे कैमरा चाहिए तो मैं कैमरा ऐसा सर्च करता हूँ, फिर यहाँ पे बहुत सारी इमेज आती है उसमें सबने सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करो, मैं आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ, काफ़ी लोगों को पता होगी शायद, पर जिसको नहीं पता है उसके लिए, और जिसको पता है वो खुश हो कि उनको पता है, ठीक है। तो ये रहा SF सिंबल। अभी SF सिंबल ये टूल अगर नहीं है आपके पास ये ऐप, तो गूगल में लिखना SF सिंबल डाउनलोड, तो ऐप स्टोर एप्पल की, एप्पल डेवलपर की साइट होगी, ठीक है, उसमें से आप इसको डाउनलोड कर देना। अभी इसका एडवांटेज क्या है गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे कैटेगरी दी है, देखो जैसे कि मीडिया के लिए तो मीडिया के सारे आ जाएंगे, वेदर के लिए तो सारे वेदर के आ जाएंगे, तो क्या अपने को थोड़ा ईजी रहे ना यार वहाँ पे अपने को सर्च करना इससे अच्छा। तो मैं क्या करता हूँ पता है, यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा कैमरा, ठीक है। अभी देख मेरे पास कितने सारे कैमरा आया ना भाई, ओके, तो मेरे पास देखो कितने सारे कैमरा है, तो अभी मैं देख सकता हूँ अच्छे से, ओके कौन सा वाला लेना है, ओके चलो ये वाला लेते हैं। अभी इसमें मेन एडवांटेज क्या है ये बता दो, अब जब इसको राइट क्लिक करके कॉपी सिंबल करोगे ना
तो आप यहाँ पे पेस्ट करना तो बस एज अ सिम्बल पेस्ट होगा, ठीक है समझे आप। अगर सिंबल भी चाहिए तो भी ये काम में आएगा। अपने को तो नेम चाहिए तो कॉपी नेम कर देते हैं इसको। मैं यहाँ पे सिस्टम नेम कैमरा और फोटो के लिए फोटो ये वाला ले लेते हैं अपना कॉपी नेम और यहाँ पे मैं रख देता हूँ फोटो वाला, ठीक है। एंड गाइज लाइक करना अच्छा लगा हो तो यार, ठीक है। अभी अपने इसको मेरे के साथ सब सेट है, चलो इसको अपने रन करते हैं और अपने देखते हैं कि बार बटन आइटम में वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने कैमरा दे दिया और टाइटल दे दिया और मेनू दे दिया, ठीक है। ओके बार बटन ओके लॉन्ग प्रेस करते हैं तो देखो यहाँ पे कैमरा आ गया फोटो आ गया। अभी टैप करते हैं तो कैमरा टैप आ गया एंड लॉन्ग प्रेस करते हैं बार क्लिक करोगे ना तो भी चले जाएगा। यहाँ पे फोटो पे क्लिक करते हैं डन ओके पी कैपिटल कर देते हैं इसको। गाइस अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर देना अगर ना किया हो तो, ठीक है। अभी अपने ये चीज़ को मैं सेम चीज़ यही कोड को मैं कॉपी करता हूँ मैं और इसको बटन में रख देता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये सेम चीज़ चलेगी। ओके सेम कोड चलेगा ओके यहाँ पे, ठीक है चल रहा है कैमरा टैप और फोटो। अभी है ना इसमें मैंने आपको बताया था कि सिंगल टैप यहाँ पे नहीं चलता, पता है यहाँ पे लॉन्ग प्रेस चलता है। यहाँ पे सिंगल टैप चलना चाहिए तो वो भी नहीं चल रहा है, तो उसके लिए एक लाइन का कोड है सेंडर जो अपना बटन की आउटलेट है वो डॉट शो मेनू एज अ प्राइमरी एक्शन वो आपको ट्रू करना है तो वो आपको सिंगल टिक भी देगा और लॉन्ग भी देगा दोनों देगा, ठीक है। ये दोनों चीज अपने को देगा अभी तो यहाँ पे अपने सिंगल टिक हो रहा है और ये लॉन्ग प्रेस दोनों हो रहा है, ठीक है समझ गए। ओके अभी अब जाते यूआई डिफर्ड मेनू एलिमेंट में। अभी है ना इसमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस देना क्योंकि ये थोड़ा सा है ना है थोड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा पर थोड़ा फोकस देना हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू यू आई डी फॉर मेनू एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओके यहाँ पे ओ शेट यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे मेनू एलिमेंट्स। अभी लिखना एक्शन नहीं ज़्यादा बना रहा हूँ तो इसको कॉपी कर देता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ पता है असिंक लिख देता हूँ उसी असिंक ओके दोनों में, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है मेनू तो अपने को बनाना ही है तो मेनू इज इक्वल टू यू आई मेनू यहाँ पे मैं टाइटल लिख देता हूँ टाइटल वेलकम लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे चिल्ड्रन आएगा वो होगा कैमरा एंड फोटो, ठीक है। अभी यहाँ पे डिस्पैच लगाना पड़ेगा डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट आफ्टर यहाँ पे डॉट नाउ सो अभी से एक सेकेंड के बाद यहाँ पे फिर मैं एग्जीक्यूशन में अपने को अभी क्या करना है ये जो मेन्यू एलिमेंट है ना मेन्यू एलिमेंट ओके तो यहाँ पे लिखना है मेन्यू एलिमेंट्स और अपने टाइप देखा हो तो ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के अंदर वो क्या पूछ रहा है अपने को यू आई मेन्यू एलिमेंट, ठीक है। तो उसको ब्रैकेट करो और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेनू, ठीक है। इतना हो गया इतना समझ लिया। डिफॉल्ट एलिमेंट बनाया दो एक्शन दी उसको मैंने मेनू में ऐड किया और एक या जो अपने को असिंक के बाद हमने इसको मेनू एलिमेंट में डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। अभी हमें क्या करना है देखो हमने क्या किया था यार कि ये सेंडर के अंदर हमने असाइन किया था अगर सेंडर के अंदर असाइन नहीं करेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा तो यही कोड कॉपी करो इसको यहाँ पे ये जो पूरा असिंक का ब्लॉक है ना पूरा उसके बाद लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है ओके रुको एक मिनट थोड़ा हेल्प करता हूँ आपकी अच्छे से दिखे ओके। तो अभी ये इतना हो गया और यहाँ पे मेनू ऑलरेडी है
नहीं इसके अंदर नहीं डालना था, सॉरी क्या किया मैंने। ओके यहाँ पे सॉरी, इसके बाहर डालना है, ये जो है ना इसके बाहर ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस यहाँ पे देना है डिफर्ड मैन, डिफर्ड एलिमेंट जो क्या वा, कौन सा है ये वाला, ये ठीक है। और चिल्ड्रन के अंदर डिफर्ड एलिमेंट, अरे सॉरी यहाँ पे कहा, ओके रियली सॉरी गाइस। देखो एक बार समझा देता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपने ने यूआई डिफॉल्ट एलिमेंट मेन्यू एलिमेंट बनाया, उसके अंदर मैंने कैमरा और फोटो दो ऐड किया, ठीक है। फिर उसको मेनू में ऐड कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अभी ये जो मेनू एलिमेंट है ना अपना, उसके अंदर मैंने ये पूरा मेनू डाल दिया, ठीक है डाल दिया। ओके अभी इस डिफॉल्ट एलिमेंट का क्या यूज़ है, तो उसका यूज़ क्या है कि उसको फिर हम मैंने एक और मेनू में डाला एज अ चिल्ड्रन, ठीक है। और उसको मैंने एज अ सेंडर ऐड कर दिया, इतना ही मैंने किया। अभी इसको रन करता हूँ, शांति से देखना। मैंने बोला था थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इतना नहीं है, आप समझ जाओगे। यहाँ पे मैंने जो प्राइमरी रिएक्शन भी दिया है, ठीक है सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो देखो यहाँ पे लोडिंग होके वेलकम आ गया, वेलकम आ गया। ये वाला अंदर वाला वेलकम होगा वो, ठीक है। उसके ऊपर ये वेलकम, दो वेलकम। तो अभी क्लिक करने पे मुझे फोटो कैमरा असिंक मिलेगा। अभी ये वेलकम है, उसके टैप के ऊपर मुझे ये दो चीज़ मिली, ठीक है। वेलकम क्लिक मिला, ठीक है। अभी इसका मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, तो क्या आपको आइडिया आएगा कि भाई क्या हो रहा है। ओके अभी गाइस मेरे को क्या करना है कि भाई ये क्या हो रहा है कि मेरे को टैप करना पड़ता है इसके ऊपर, उसके बाद वो आता है। मेरे को ऐसा नहीं करना, डायरेक्टली आ जाना चाहिए क्लिक के ऊपर, लोडिंग होके आ जाना चाहिए। तो उसके लिए है ना यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिस्प्ले इनलाइन करके, तो इससे आपका काम अपना काम हो जाएगा। तो अभी आप अच्छे से देखना, ठीक है। देखो लोडिंग हुआ, फोटो असिंक कैमरा असिंक आ गया, मस्त लोडिंग होके। ओके अभी लोड नहीं हो रहा है, एक बार हो गया ना इसलिए, ठीक है। तो अभी लोडिंग होके डायरेक्टली वो आ रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ पता है, इसको मैं अभी के लिए निकाल देते हैं, अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए, ठीक है। ओके अभी ये तो क्या दो ऑप्शन ही आ रहे हैं ना, अपने को तो बहुत चाहिए ऐसे। जैसे कि कैसे चाहिए पता है मेरे को अभी, कि लोडिंग के 7 ऑप्शन आने चाहिए ऐसा, एक सिर्फ अकेला लोडिंग नहीं आना चाहिए। अभी आप क्लिक करोगे ना, अब देखना क्या होता है उसका। देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो लोडिंग ही आता है, फिर उसके बाद ये वेलकम टू असिंक पे क्लिक करोगे तो आता है। मेरे को लोडिंग के 7 ऑप्शन चाहिए, तो आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, देखो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यही वाले एक्शन को, और मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे को सिर्फ कैमरा रखता हूँ मैं, कैमरा एंड फोटो, ठीक है। अभी इस एक्शन को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, अभी देखना क्या होगा, मज़ा आएगा। कैमरा एंड फोटो, ठीक है। अभी इसको मैं रन करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि अपने एक ही एक्शन जितनी रख सकते उतनी रख सकते हैं अपने, ठीक है। वो अंदर वाला जो अंदर का ब्लॉक था उसका मेनू और ये बाहर का मेनू दोनों अलग अलग है, इसको समझना। मैं क्लिक करता हूँ, देखो फोटो कैमरा मेरा ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। मेरे को यही चाहिए कि मेरा फोटो कैमरा भी आना चाहिए, और क्लिक करने पे ये आना चाहिए फोटो असिंक और कैमरा असिंक। अभी मेरे को क्या करना है कि ऐसा क्लिक नहीं करना है, तो आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपने को ओम में है डिस्प्ले इन लाइन, तो अभी वो क्या होगा, दो होगा, उसके नीचे और दो बॉक्स आएंगे, अपना जो ग्रुप टेबल ही होता है ना ऐसे, थोड़ा मजा आएगा देखने के लिए। अभी अपने क्लिक करते हैं, देखो लोडिंग हो रहा है, टाड़ा वाह। सो फोटो अपना और असिंक वाला, तो ये देखो अपना ये फोटो कैमरा असिंक वाला जो अभी लोडिंग होके आ गया, और ये अपना कैमरा और फोटो। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड कुछ भी क्वेरी लगे तो कमेंट करना। इसका कोड मैं गिटहब का दे दूंगा, टेंशन मत लेना इस प्रोजेक्ट का, अच्छे से देखना। मेन यहाँ पे कन्फ्यूजिंग थोड़ा ज़्यादा होगा, मेरे को पता है, मेरे को भी थोड़ा हो रहा था स्टार्टिंग में। ये यू आर डिफॉल्ट एलिमेंट के अंदर, ये उसके अंदर का एलिमेंट है जो हम लोड होने के बाद करेंगे। लोड होने के बाद अगर लोड हो रहा है तो लोड मुझे नहीं करना, पर फिर भी ऑप्शन दिखाना है, तो आप यहाँ पे बाहर रखो उसको, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो दो मेनू है, एक आपको बाहर रखना है एक मेनू, और लोडिंग होने के बाद आपको क्या रखना है उसके लिए दूसरा मेनू। तो लोडिंग होने के बाद का मेनू अंदर होगा, ब्लॉक के अंदर, पूरा अपना जो ब्लॉक है उसके अंदर होगा, और बाहर के लिए ये वाला है, ठीक है। शो मेनू एज अ प्राइमरी एक्शन, इसको याद रखना, सिंगल टैप करना वर्क नहीं करेगा, ठीक है।
ओके गाइस, तो अभी भी क्वेरी हो तो बोलना, और नेक्स्ट वीडियो में आने वाला हूँ iOS 14 का एक और टॉपिक लेके। तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं।